बिहार के हर जिला मुख्यालयों में होने वाले युवा राजद के धरना प्रदर्शन को सफल बनाने को लेकर युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार यादव बिहार के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज पिपरा के सुभाष चौक पर राजद कार्यकर्ताओं ने अपने युवा प्रदेश अध्यक्ष का फूलमाला से स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने बताया, देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जाति जनगणना को चालू करने को लेकर 5 जून को सुपौल जिला समेत पूरे बिहार में महागठबंधन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसे सफल बनाने के लिए हर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। वहीं युवा राजद नेता विवेक कुमार यादव के नेतृत्व में पिपरा बाजार के सुभाष चौक पर युवा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया और बताया, हम सभी कार्यकर्ता मिलकर संपूर्ण क्रांति दिवस पर आयोजित धरना प्रदर्शन को सफल बनाएंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंक कर महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। आज युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष का दौरा था और आप लोगों ने फूलमाला से स्वागत किया, क्या कुछ रणनीति है? हम लोगों का रणनीति है कि आगे 5 जून को जो संपूर्ण क्रांति दिवस पर जो महाधरना होने वाला है सुपौल में जिला मुख्यालय पर, उसी के लिए जोर शोर से हर प्रखंड से लोग जाए और उसमें शामिल हों ताकि बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने में मदद मिल सके। अब यहाँ के पिपरा प्रखंड को क्या कहेंगे आप यहाँ के वासियों के लिए? पिपरा प्रखंड तो वैसे भी महागठबंधन की धरती रही है और यहाँ से विधायक भी महागठबंधन के और सांसद भी सुपौल जिला के है। इसी कारण हम लोग चाहेंगे कि इस बार 2024 में सभी सीटों पर नीतीश कुमार की सरकार बने और नीतीश कुमार अपना 2024 में जरूर प्रधानमंत्री का चेहरा बन रहे हैं, तो उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए क्योंकि पहला बार बहुत दिनों के बाद कोई बिहार का नेता प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तो उसमें हम लोगों को सहयोग करना चाहिए और इन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। सर आज क्या चीज का दौरा है आपका? 5 जून को महंगाई, जाति जनगणना कराने की मांग और नई शिक्षा नीति वापस ले भारत सरकार, इसको लेकर के पूरे बिहार में 5 जून को जिला मुख्यालयों पर धरना है। उसी की तैयारी के लिए मैं कल सुपौल जिला के कई प्रखंडों में दौरा किया, आज सुपौल से मैं मधेपुरा के लिए जा रहा हूँ। सर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारी रणनीति रहेगी? हमको आगामी चुनाव के नहीं, हमको जनता को गोलबंद करना है, उनकी महंगाई, उनके परेशानियों में उनके साथ खड़ा रहना है, इसके लिए युवा राजद के साथ ही तैयार है। हम लोग जो है विवेक भैया के समक्ष काम कर रहे हैं, इनके आधार पर चल रहे हैं और राजद का जितना भी कार्यकर्ता है उनका सम्मान करते हैं। बीजेपी के राज में लूट, अपराध, भ्रष्टाचार, कई घटनाओं में संलिप्त है पूरे भारत। तो 2024 के लिए आप लोगों का क्या प्राथमिकता रहेगी? हम लोग विवेक भैया हुए, हम लोग जो है सब समक्ष जो है बीजेपी के जितना भी कार्यकर्ता है पूरी तैयारी के साथ कर रहे हैं और 24 में जो है बीजेपी भगाओ देश बचाओ।